हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो जा रहे हैं आज फिर से हम खेतों की तरफ, और वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे पानी का टैंक बना है। अभी अभी उसका काम ख़त्म हुआ है। ये पानी के पंप का टंकी है क्या? ये टंकी है क्या? जनरेटर रूम सब कुछ यहाँ पे बना रखा है, और इधर पानी जमा हो के फिर जाएगा हमारे गांव की तरफ ऊपर। और अभी तो यहाँ पे काम हो गया ख़त्म सारा, बस तैयारी होगी कुछ और चीज़ की। वैसे जो ये बिल्डिंग वगैरह बननी थी वो बन गई यहाँ पे। आंवले का पेड़ भी है यहाँ पे, आंवले गिर रखे हैं। ये देखो नीचे कितनी खुदाई करके, इतनी खुदाई करके यहाँ पे जनरेटर रूम बना रखा है। और ये बना रखी है टंकी, ये काफ़ी बड़ी है। ये बनाया जनरेटर रूम, डबल बना हुआ है ये, और ये टंकी है। और बाहर ऐसे नज़ारे हैं, देखो ये बाउंड्री कर रखी है साइड साइड में। बाइक चले गया वहाँ पे, इधर भी दिख रहा है नैन डांडा सबसे ऊंची चोटी। तो गाइस अब हम रोली रोल आ गए हैं। ये देखो ये पूरा अपना ही है। और ये रोल है पूरा, रोली रोल आ रहे हैं हम, और ये पूरा अपना ही है। ये वाला भी अपना ही है। अब बता दो ना किसका है ये? सब सक्षम का है। अन्नी भाई अब्बी भाई तो आएंगे नहीं, तो सक्षम ये सारा पहाड़ तेरे हैं, सब पहाड़ तेरे हैं। तू यहाँ का अकेला राजा है, कुंवर है यहाँ का सक्षम। तो दिख गए हमको हल चलाते हुए चाचा जी। और यहाँ पे अभी अभी मिर्ची की जो फसल थी वो अभी निकाली है, और उसके बाद दूसरी फसल जिसका मौसम होगा वो लगाएंगे। और हमें यहाँ बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो गया, तो अब निकलते हैं हम घर की तरफ, क्योंकि हमने बनाना है खाना भी। सब लोग अपना सो गए हैं टाइम से, और हमको ही थोड़ा लेट हो गया खाना बनाते बनाते। तो बाय दोस्तों, बाय, फिर मिलेंगे। ये हमारी नानी है, और ये अभी वहाँ से आ रही है खेत से पत्तियाँ तोड़ के, छन्नी में से आ रही है। और यहाँ पे मम्मी अपने कपड़े धो रही है, और ये बिल्कुल फ्रेश पानी आता है यहाँ से, पता नहीं अंदर से आता है पहाड़ों के। और वो नानी वहाँ से छन्नी से वो लेके आ रही थी, और बाकी नज़ारे देखो ना, बीच बीच में से कंडेली लगी हुई है। और हम आ गए यहाँ पे, ये भंगुला है नशे वाला पेड़। ये टिंटिन ले रहा मौसमी तोड़ने के मजे। नीचे रख दे, नीचे नीचे रख दे, उससे ऊपर पीले हो रखे हैं। टिंटिन से टूट ही नहीं रहे, और बड़े ध्यान से देख रहा है वो मीठे मीठे वाले। अपने लिए जूस बनाएगा, इसके अंदर वाला देखिए पले आ रही है। दथुड़ा दादी, ये राजमा है, राजमा। तो गाइस ये चीकू है, इसने पीसीबी ली है, ये हमसे भी ज्यादा पढ़ता है, इसने पीसीबी ली है। और हमने क्या लिया? हमने आर्ट्स ली है। और गाइस यहाँ पे इतनी सारी मौसमी है, जिससे हम बिल्कुल एक टन हम वो बना सकते हैं मौसमी का जूस। हमें शेकर लेके आना चाहिए था। देखो गिरे भी हुए नीचे, ये देखो ये रहा वो। तो घूम कर आने के बाद मैंने किया कुछ काम, क्योंकि मैं फ्री तो बैठ नहीं सकती हूँ, तो मैंने लगे हाथों ये काम भी कर दिया। तो ऐसे पर्दा भी बना दिया वहाँ तक किनारे किनारे तक, नहीं तो यहाँ से मिट्टी गिरती थी। और आज धूप में सुखाए सारे रजाई गद्दे, सारे धूप में सुखाए, तो यहीं पे ढेर कर रखा आज। और सारा चेंज कर दिया, घड़ी मैंने सामने लगा दी, और इस साइड सारी ये सेट कर दिया। तो आज दिन में दिन यहाँ पे बड़े लगते हैं, क्योंकि कुछ काम होता नहीं है,
सुबह जल्दी हो जाती है। यहाँ पे दिन और मतलब दिन काफी लंबे लगते हैं क्योंकि सुबह 6:30-6 बजे तक तो सारे लोग उठ जाते हैं और नहा धो के अपना नाश्ता, 7 बजे तक नाश्ता भी हो जाता है, तो दिन काफी बड़ा लगता है। तो ऐसे लगता है कि क्या करें। तो आज ये पूरा ही मैंने साड़ी काट के माँ की नीचे से लगा दी क्योंकि ऊपर से ना मिट्टी बूरा थोड़ा हिलता था ना, तो बूरा गिरता था, तो टाइम पास हो जाता है मेरा, तो कुछ ना कुछ देते रहो काम तो मैं कर देती हूँ। और इधर ये पर्दा भी लगा दिया, माँ बोलती है आंखों में उजाला आता है क्योंकि अंदर मंदिर है तो ये जली रहती है लाइट पूरे टाइम, तो इससे रात को भी आंखों में आता है, तो इसलिए पर्दा लगाना पड़ा यहाँ पे। ओह तो ठंडा हो गया इसलिए मैंने जैकेट भी डाल ली। पूरे दिन भर तो धूप लगी रहती है पर ठंडे में बैठो तो ठंड लगती है और धूप में बैठो तो बहुत गर्मी लगती है, तो अब जैकेट डाल ली। शाम का टाइम हो गया, 5:30 बज गया। अब खाने की तैयारी करूंगी, क्या बनाऊं। माँ लाई है वो तोरी, तोरी होती है, तोरी तो नहीं बोलते, गोदड़ी बोलते हैं, तो उसकी सब्जी बनाएंगे। थोड़ी सी है, थोड़ी सी दिन की दाल बची है तो काम चल जाएगा अपना। और सुबह बनाएंगे फिर हम रोटी और चटनी। तो पुदीना यहाँ पे बढ़िया लगा हुआ है, अच्छा हरा भरा हो रखा है पुदीना और धनिया और मिर्च तो है ही, और लहसुन भी लगे हुए, लहसुन के पात हो जाएंगे तो उनकी चटनी बना दूंगी। तो चलो अभी तैयारी करती हूँ, फिर मैं, माँ भी गई है कहीं घूमने के लिए, टिनटिन भी गया, भाई भी गया, मैं भी घूम के आ गई पूरे गांव में। तो अब यहाँ पे मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज है हमारी लास्ट नाइट यहाँ पे, कल दिन तक निकल जाएंगे हम। और अभी बजे हैं 6 और मौसम ऐसा बारिश वाला हो रहा है, वहाँ से देखो इतना बारिश वाला मौसम हो रहा है। और यहाँ पे बैठी हूँ मैं दादी के साथ, दादी बैठी इधर नीचे अंधेरे में तो मैं दादी के साथ बैठी हूँ यहाँ पे, उन्हीं के साथ कर रही हूँ बातचीत। और काफी रात हो गई, ठंडा हो गया है जो बना हो। तो दादी बोली मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद बना रही हूँ जिसका ये, जिसने ये फोन बनाया, ये व्हाट्सएप से बात हो जाती है इधर उधर, मतलब जो बाहर रह रहा है उसकी गांव पे हो जाती है, गांव से बाहर हो जाती है, तो दादी इसलिए खुश है कि उनकी बात हो जाती है हफ्ते हफ्ते में चाचा के साथ। तो खाना खा लिया हमने और मैं बैठी हूँ यहाँ पे अकेले, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे शांत। तो चलिए दोस्तों फिर मिलूँगी मैं आपको, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। रात को गांव में लाइट टिमटिमाती तो ऐसे लगता है कि तारे हैं। तो बाय दोस्तों।